वीकेंड की शाम का खुशनुमा वक्त कुछ ही पलों में जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। ये शायद मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज पर मौजूद किसी शख्स ने नहीं सोचा होगा, लेकिन अचानक मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि कुछ समझने से पहले लाशें नदी में बहने लगी और जो बचे थे उनके साथ चश्मदीद आहकार मचाने लगे। आनन फानन में प्रशासनिक अमला पहुंचा, राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया जो अब तक जारी है। हादसे में 100 से ज्यादा घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चीर शांति मिले। इस भीषण हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। गुजरात सरकार ने हादसे की जांच के लिए SIT कर दी है, साथ ही पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। कल ही देख लीजिए ना, मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यही तो एकजुटता की ताकत है। ब्रिटिश काल में बना झूला पुल 233 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा है, जिसकी मरम्मत 2 करोड़ रुपए की लागत से 7 महीने पहले शुरू हुई थी। 100 लोगों की क्षमता वाले इस पुल को 5 दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था और पुल के लिए 17 रुपए की टिकट भी तय की गई थी, लेकिन टिकट का ये 17 रुपया ही इस केबल ब्रिज के टूटने की वजह बने, क्योंकि 100 लोगों की क्षमता वाले इस झूले पर हादसे वाले दिन 400 लोगों के लिए मौत का टिकट काटा गया था। तमाम जो फैसले वो तत्काल होने चाहिए और जो हमने सुना कल कोई कमेटी बनाई है उससे काम नहीं चलेगा। मिनिमम हाईकोर्ट के जज है, सिटिंग हो, उससे इंक्वायरी हो, टाइम बाउंड हो, ये टाइमली लोगों को मालूम पड़े कि क्या दोष था, उनको पनिशमेंट मिल सके। और ये जो मैनेजमेंट जो कंपनी कर रही थी, हमने सुना है कि जल्दबाजी में बिना कोई सर्टिफिकेट लिए हुए चालू कर दिया ब्रिज को, मेन कारण वो भी हादसा का हो सकता है, तो इसकी जांच होगी तो मालूम पड़ेगा। इस भीषण हादसे में मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। किसी का पूरा परिवार ही हादसे में काल के गाल में समा गया तो किसी का घर का चिराग ही बुझ गया, जिसके बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। लेकिन मच्छू नदी में तैरती लाशों के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, बिना NOC सर्टिफिकेट के पुल को लोगों के लिए किसकी अनुमति से लोगों के लिए खोला गया? सवाल नंबर 2, 100 लोगों की क्षमता वाले केबल ब्रिज पर 400 लोग कैसे पहुंच गए? सवाल नंबर 3, 7 महीने पहले जिस पुल को 2 करोड़ लगाकर रिनोवेट कराया गया, वो 5 दिन में ही क्यों टूट गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब SIT को जल्द तलाशना होगा, क्योंकि चुनाव के कगार पर खड़ी गुजरात की जनता को नाराज करने और विपक्ष को घेरने का मौका देने की गलती गुजरात सरकार कतई नहीं करेगी। इसलिए पीड़ितों के बीच नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस हादसे के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि ये महज एक हादसा है या बड़ी लापरवाही के साथ लालच का नतीजा? क्या टिकट से ज़्यादा कमाई की लालच नहीं ले ली मासूमों की जान? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।